आखिर ईरान कैसा हमला करने जा रहा है, जिसका डर न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि इसराइल भी पिछले 23 दिनों से ईरानी हमले के खिलाफ तैयारी में जुटा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान इसराइल से बदला लेने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए क्या कर रहा है। घिर गया ईरान, आ गया अमेरिकी युद्धपोत। हमास चीफ हानिया को तेहरान ने जिस तरह से 31 जुलाई को इसराइल ने धमाके में मारा है, उसके बाद से पूरा ईरान इसराइल से जबरदस्त बदला लेने की तैयारी में जुटा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के कई टॉप अधिकारियों ने तेहरान की यात्रा करके ये कहा है कि ईरानी हमले में इजरायली नागरिक बिल्कुल ना मारे जाएं। आखिर ईरान कैसा हमला करने जा रहा है, जिसके डर से न सिर्फ अमेरिका खौफ में है बल्कि इजरायल भी पिछले 23 दिनों से ईरानी हमले के खिलाफ तैयारी में जुटा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान इजरायल से बदला लेने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल कमांड में यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप के जहाजों को तेजी से ईरान के करीब पहुंचा दिया है। F-35C जैसे फाइटर जेट से लैस अमेरिकी युद्धपोत पर ऐसी मिसाइलें मौजूद है जो ईरान की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 जेट ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान इसराइल पर सीरियल मिसाइल अटैक कर सकता है। राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास